तो दोस्तों अभी आ चुके हैं माझी के मैयापट्टी और ये देख सकते हैं यहाँ पर शेर का पंडाल बनाया गया है और शेर के अंदर से एंट्री कर सकते हैं जो कि माता रानी का दर्शन कर सकते हैं और देख सकते हैं ये माता रानी का यहाँ से आप दर्शन कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं माझी मैया नगर, आप देख सकते हैं और ये देख सकते हैं दोस्तों और ये यहाँ पर शेर का पंडाल बनाया गया है, आप देख सकते हो दोस्तों, ये देख सकते हैं पीछे हैं। तो चलिए माता रानी का दर्शन कराते हैं, वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहे। चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड माता रानी का दर्शन कराते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जय माँ जगदम्बा, यहाँ पर देख सकते हैं कमेटी का नाम दिया गया है मैया पट्टी है जो कि माझी शहर में पड़ता है और ये देख सकते हैं यहाँ पर शेर पर सवार है जो कि शेर के अंदर से आप लोग माता रानी का दर्शन करेंगे। तो चलिए चलते हैं अंदर और ये देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत लग रहा है देखने में और ये देख सकते हैं यहाँ पे आंसू और आकाश दोनों आगे आगे हैं और ये फोटो रील शूट कर रहे हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं और देख सकते हैं सजावट काफ़ी बढ़िया किया गया है यहाँ का। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ रहा माता रानी का। तो दोस्तों यहाँ पे मूर्ति 2001 से रखा जा रहा है जो कि यहाँ का पंडाल यहाँ के गांव के लोग ही बनाते हैं। तो चलिए यहाँ की जानकारी लेते हैं, यहाँ के जो निदेशक हैं इनसे जानकारी लेते हैं। तो ये फाइनली हम आ चुके हैं माझी मैया नगर है ना, मैया पट्टी आ चुके हैं दोस्तों, देख सकते हैं। तो ये भाई साहब से पूछते हैं जी, आपका नाम क्या पड़ेगा? विनोद कुमार गुप्ता। विनोद कुमार गुप्ता जी, यहाँ पर कितने दिनों से यहाँ पर मूर्ति रखा जा रहा है? 24 साल हो गया। 2001 से बन रहा है। अच्छा, 2001 से मूर्ति बन रहा है ना जी। तो ये जो पंडाल का सजावट किया गया, जो बनाया गया, ये कौन बनाता है? ये कहाँ के कारीगर हैं? स्थानीय बाल कलाकार हैं, युवा वर्ग के बच्चे हैं, इसी गांव के सभी बच्चे हैं। अच्छा अच्छा, यहाँ के लोकल ही बनाते हैं ना जी। अच्छा अच्छा, तो ये बनाने में कितना टाइम लगता है, जैसे कितने मंथ लग जाते हैं बनाने में? यह जो शेर का आकृति देख रहे हैं इसको बनाने में 1 महीना 8 दिन लगा। 1 महीना 8 दिन में पूरा तैयार हो गया है ना? कंप्लीट हो गया। अच्छा अच्छा, एक दो दिन और बचता तो कुछ काम बाकी रह गया था, जैसे बाल वगैरह छूट गया कुछ। अच्छा, और अच्छा, हाँ, हाँ। लगाने का समय नहीं मिल पाया। हाँ। तो बाहर से कारीगर नहीं आता, सब लोकल ही रहते हैं? सब लोकल ही हैं, यहाँ इसी गाँव के बच्चे, इसी गाँव के सभी मियाँ पट्टी का। हर साल कुछ न कुछ नया प्रारूप तैयार। अच्छा, हर साल नया नया कुछ ना कुछ बनाया कि बस यही आकृति रहती है। अच्छा अच्छा, हाँ। आकृतियाँ बदलती रहती है। साल थर्मोकोल का मंदिर बना होता है, जैसे साउथ इंडिया में आप देखे होंगे पिलर वगैरह, उस टाइप का पिलर, इसमें 20 पिलर था। अच्छा अच्छा, और उसी आकृति का मंदिर 60 फीट ऊंचा बना हुआ था। 60 फीट ऊंचा, उसके पहले बना हुआ था गुफा, गुफा के अंदर माता विराजमान थी और शिवलिंग 50 फीट ऊंचा था। उसके पूर्व में रथ बना हुआ था, जितना शेर की लंबाई चौड़ाई देख रहे हैं इतना बड़ा रथ बना हुआ था। अच्छा, और उस रथ के ऊपर माता विराजमान थी। अच्छा, उसके मतलब हर साल कुछ न कुछ नया डिजाइन से बना। कलश बना हुआ था, कलशा जैसे यहाँ देख रहे हैं आप, कलाकृति का 70 फीट ऊंचा कलशा बना हुआ था। अच्छा अच्छा, और उसी कलशा के अंदर माता थी। तो हर साल भिन्न भिन्न प्रकार का माता। अगले साल क्या सोचे हैं आप लोग? अगले साल देखिए, यहाँ एक साथ पहले तय नहीं होता है। अच्छा, वो पहले उस समय जैसे एक सवा महीना बच गया, राखी के दिन यहाँ पर झंडा गाड़ा जाता है। अच्छा, राखी के दिन। हाँ, झंडा के दिन शुरू होता है राखी के दिन से। अच्छा, और उसके बाद से तय होता है कि क्या इस बार लुक दिया जाए। अच्छा, क्या अच्छा, इस बार तय किया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी मिलने से। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, जो भी है यहाँ का लोकेशन देख सकते हैं।